देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में अपनी मशहूर प्रीमियम हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोज के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें, इस नई इलेक्ट्रॉनिक कार को इस साल ही बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इस कार से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले इस कार की डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें, टाटा अल्ट्रोज की कंपनी ने इस कार को बहुत ही खास डिजाइन में पेश किया है। इसके इलेक्ट्रिक मॉडल में फ्रंट बम्पर में से कुछ वजन को हटाया गया है, जिसके वजन से इसके बम्पर का वजन बहुत कम हो गया है। इसके अलावा इस कार में नए डिजाइन का एलॉय व्हील दिया गया है। इसमें गियर लीवर नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण से सेंटर टनल और भी छोटा होगा। कंपनी लीवर के जगह पर रोटरी नॉब दे रही है, जिसकी वजह से ड्राइविंग का लुक ही बिल्कुल बदल जाएगा। टाटा अल्ट्रोज के इलेक्ट्रिक वर्जन में कंपनी उन सभी फीचर्स को शामिल करेगी जो कि रेगुलर पेट्रोल और डीजल मॉडल में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हरमन का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हैं। अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED डेर टाइम रनिंग लाइट्स, एम्बियंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, पीछे के हिस्से में AC वेंट्स, ड्राइविंग मोड्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स को शामिल किया जाएगा। जहां तक सेफ्टी की बात है, तो इस कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस कार में 1P67 रेटेड और वाटरप्रूफ बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा इस कार में फास्ट चार्जिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। आपको बता दें, यह कार सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज दे सकता है। इस कार में नेक्सोन AV में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक मोटर शामिल किया जा सकता है, जो कि 129 PS की पावर और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आपको बता दें, इस कार में 30.2 kWh की क्षमता का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। क्या होगी कीमत? आपको बता दें, टाटा अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक कार की कीमत के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि कंपनी इस कार को 10 लाख रुपये तक की कीमत में बाजार में उतार सकती है। कंपनी जल्द ही बाजार में इस कार को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारने जा रही है। यानी कि अगर इस कार की बैटरी अगर चार्ज नहीं रहेगी तो भी आप इसमें पेट्रोल डाल करके चला सकते हैं। और आपको बता दें, टाटा अल्ट्रोज का यह भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक प्रीमियम हैचबैक कार होगी, और सीधे तौर पर इस कार का प्रतिद्वंदी इस बाजार में अभी कोई नहीं है। लेकिन जल्द ही बाजार में मारुति सुजुकी अपनी वैगनआर के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लॉन्च करने जा रही है, तो इसको बाजार में आने के बाद इन दोनों कार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जानकारी को फैलाइए। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल सन स्टार हॉटलाइन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।